उत्पादन क्षेत्र में अभिवृद्धि पर अनुमोदित है 2 लाख कोटी प्रोत्साहन राशि। एथपाय केन्द्र कैबिनेट अनुमोदन करिछि प्रोडक्शन लिंक इन्वेस्टमेंट बा पीएलआई स्कीम। देश में उत्पादन वृद्धि पर 10 टी क्षेत्र को दि जाइछि प्राथमिकता। देश में उत्पादन बढ़ाई आत्मनिर्भरशील करने को गोटे पर गोटे समय उपयोगी पदक्षेप नहीं चलिछन्ति केन्द्र सरकार। पूर्व अनेक योजना घोषणा और कार्यकारी होता बेले बुधवार दिन केन्द्र कैबिनेट नहीं बड़ पदक्षेप 10 टी उत्पादन क्षेत्र पर अनुमोदन कर 2 लाख कोटी टंकार पीएलआई बा प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम। ए बाबद गणमाध्यम को संबोधन करी केंद्र मंत्री प्रकाश जावडेकर कहते एही पीएलआई स्कीम देशर उत्पादन एवं रप्तानी क्षमता को वृद्धि करने अनुमोदन करा जाइछे जहां 10 टी मुख्य उत्पादन क्षेत्र में विनियोग करा जाइबो। कमी रही कि उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का केवल 16% हिस्सा है, यानी वो ज्यादा नहीं है। ये मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो ज्यादा चाहिए। हमारे यहां आयात ज्यादा होता है, निर्यात कम होती है। आज तक निर्यात और उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए लेकिन उसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली। आज मोदी सरकार ने यह फैसला किया कि 10 उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाएगा और कितना, लगभग 2 लाख करोड़ का। ये उत्पादन भी बढ़ाएगा, निर्यात भी बढ़ाएगा और रोजगार भी बढ़ाएगा। आत्मनिर्भर भारत को साकार करने के दृष्टि से ये निर्णय महत्व का होगा। यह भारतीय उत्पादन तथा निर्माणकारी संस्था गुड़ी को विश्व बाजार में प्रतियोगी कराइबा सहित पूंजी निवेश मध्य बढ़ाइबो। आज का निर्णय 10 क्षेत्रों का इतना महत्वपूर्ण है कि लगभग 2 लाख करोड़ दिवाली के मौके पर एक उद्योग क्षेत्र को बहुत बड़ा तोहफा और उससे देश का उत्पादन बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, तो ये बहुत है। इसके परिणाम भी आने लगे। मोबाइल की अनेक कंपनियां बाहर से भी आए, द एफडीआई हैज कम, फॉरेन कंपनीज हैव कम एंड आर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड देश के भी लावा, माइक्रोमैक्स, कार्बन, जेन आदि कंपनियों को इसका लाभ मिलेगा। यही 10 टी क्षेत्र मध्य रही एडवांस केमिस्ट्री सेल, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल तथा ऑटो यंत्रांश निर्माण, औषध, स्टील, टेलीकॉम, नेटवर्किंग, टेक्सटाइल, खाद्य शिल्प भली उद्योग। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।